नमस्कार, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। कश्मीर का नाम लेते हुए पाकिस्तानी आर्मी चीफ की जुबान से एक बार फिर से भारत को चुनौती दी गई है। एक बार फिर से जनरल राहिल शरीफ ने कश्मीर पर बोलते हुए किसी तरह की शराफत नहीं दिखाई। पड़ोसी देश में मनाए जा रहे डिफेंस डे के मौके पर पाकिस्तानी सेना के मुखिया ने कश्मीर की आजादी पर बयान दिया। ये रिपोर्ट आप देखिए। एक तरफ मोदी सरकार कश्मीर में 2 महीने से जारी अशांति को हल करने में जुटी है, दिल्ली में सर्वदलीय बैठक कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी आर्मी सरेआम कश्मीर में दखल की बात कर रहे हैं। कश्मीर हमारी शहराग है और हम तहरीक आजादी की हर सतह पर सफारती और इखलाकी मदद जारी रखेंगे। हम अपने दुश्मनों की हर कोवर्ट और ओवर्ट साजिश और इरादे से बखूबी आगाह हैं। खतरा सरहदों पर हो या शहरों में, हम अपने दोस्तों और दुश्मनों की तमाम जितनी भी उनकी अजायम है उनको बखूबी पहचानते हैं। चीन की तारीफ और भारत को धमकी। कश्मीर का नाम लेते हुए पाकिस्तानी आर्मी चीफ की जुबान से एक बार फिर भारत को चुनौती दी गई है। एक बार फिर जनरल राहिल शरीफ ने कश्मीर पर बोलते हुए किसी तरह की शराफत नहीं दिखाई। पड़ोसी देश में मनाए जा रहे डिफेंस डे के मौके पर पाकिस्तानी सेना के मुखिया ने कश्मीर पर क्या बोला, जरा सुनिए। पूरा कश्मीर के मजलूम अवाम अपने हकूक मांगने की पदाश में एक बार फिर बदतरीन रियासती दहशतगर्दी और जबर का निशाना बने हुए। हक़े खुद इरादियत की इस जिदोजहद का असल हल नहत्ते कश्मीरी अवाम पर गोलियों की बारिश करने में नहीं, बल्कि अवाम की आवाज सुनने और उनकी उमंगों का एहतराम करने में। कश्मीर के मसले का हल UN रेजोल्यूशंस पर अमल करने से ही मुमकिन है। ख्वातीन हज़रात, कश्मीर हमारी शहराग है और हम तहरीक आजादी की हर सतह पर सफारती और इखलाकी मदद जारी रखेंगे। राहिल शरीफ का यह बयान रावलपिंडी में हुए पाकिस्तान के डिफेंस डे के मौके पर आया है। राहिल शरीफ ने कहा कि कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए किए गए बलिदानों को वो सलाम करते हैं। मामले का हल संयुक्त राष्ट्र के जरिए होगा। पाकिस्तानी आर्मी चीफ का बड़बोलापन यही नहीं थमा। उन्होंने कहा, हम अपने दुश्मनों की हर कोवर्ट और ओवर्ट साजिश और इरादे से बखूबी आगाह हैं। चैलेंज अस्करी हो या सिफारती, खतरा सरहदों पर हो या शहरों में, हम अपने दोस्तों और दुश्मनों की तमाम जितनी भी उनकी अजायम है उनको बखूबी पहचानते हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और चीन के बीच रिश्ते की वकालत करते हुए चीन पाकिस्तान के बीच बन रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर की तारीफ की। बाहमी एहतराम और बराबरी की बुनियाद के असूलों पर उस्तवार ताल्लुकात की खत्ते में सबसे बड़ी मिसाल पाक चीन दोस्ती है। इसका मुंह बोलता सबूत सी पैक है। ये अजीम मंसूबा न सिर्फ हमारे इक्तसादी रवाबत को मजबूत करेगा बल्कि पूरे खत्ते की खुशहाली में मददगार साबित होगा। इसकी बरवक्त तकमील और तहफ्फुज हमारा कौमी फरीजा है। मैं यकीन दहानी कराना चाहूंगा कि हम किसी बैरूनी ताकत को सी पैक की राह में रखना नहीं डालने देंगे। तो आखिर राहिल शरीफ की शराफत छोड़ने की वजह क्या है? क्या वो बलूचिस्तान पर भारत के रुख से परेशान है या फिर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से गिलगित बाल्टिस्तान का मुद्दा उठाए जाने से घबराए हुए हैं? पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगित के लोगों ने, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगित के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का, मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। गोलियों
क्या राहिल शरीफ अपनी कट्टर और राष्ट्रवादी छवि बनाकर पाकिस्तान में दबदबा बनाना चाहते हैं? राहिल शरीफ ने कहा है कि वो कश्मीरीज को डिप्लोमेटिक सपोर्ट देते रहेंगे। पहला सवाल तो ये उठता है कि ऐसी स्टेटमेंट एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आर्मी चीफ से आना, उनका डिप्लोमेसी से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, ये बड़ी अजीब बात है। वो साफ मानते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम के वास्ते है। पाकिस्तान में जो आतंकवाद और पाकिस्तान की जुगलबंदी है, इस जुगलबंदी का असर और इस जुगलबंदी की आवाज पूरी दुनिया को सुनाई पड़ रही है, और इसीलिए धीरे धीरे पाकिस्तान को पूरी दुनिया जो है एक आतंकवादी देश की भूमिका में देखने लगा है। दरअसल भारत विरोध की बात करने से पाकिस्तान में सेना मजबूत दिखाई पड़ेगी, और जब पाकिस्तानी सेना और राहिल शरीफ आक्रामक दिखेंगे तो पाकिस्तान सरकार पर हावी रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।